फिश का कितना दाम है सो द फर्स्ट फिशर वेमेन इज फ्लोरम्मा फ्लोरम्मा शी सेल्स प्रॉन्स एंड द प्राइस ऑफ वन के जी प्रॉन्स इज रुपीज वन फिफ्टी द सेकेंड फिशर वेमेन इज करुतम शी सेल्स स्क्विड एंड द प्राइस ऑफ द स्क्ज रुपीज फिफ्टी नंबर थ्री the name of the fisherwoman, fisherwoman is mini the type of fish that she sells is sardines and the price per kg of sardines is rupees 40 the fourth fisherwoman is gracie she sells swordfish and the price per kg of swordfish is rupees 60 so come to the first question question number one Floramma sold टेन के जी प्रॉन्स टू डे सो आज फ्लोरम्मा ने टेन के जी प्रॉन्स बेचे हाउ मच डिड शी अर्न उसका आज का अर्निंग कितना है सो द सोल्यूशन यूल द फर्स्ट सेंटेंस क्वांटिटी ऑफ प्रॉन्स फ्लोरम्मा सोल्ट फ्लोरम्मा ने कितना प्रॉन्स बेचा सो दैट इज टेन के जी क्वेश्चन में है देन कम प्राइस पर के जी ऑफ प्रॉन्स एक के जी प्रॉन्स का कितना दाम है दैट चिल्ड्रेन यू विल गेट इट फ्रॉम द टेबल यू सी प्रॉन्स का जो कॉस्ट है दैट इज़ रुपीज़ वन फिफ्टी वहां से देख कर मैंने लिखा है दिस इज़ रुपीज़ वन फिफ्टी दिस टाइप ऑफ सम इन मैथ्स इट इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड ये मैंने पहले भी बोला है ये वर्ड बार बार आएगा वहाँ पर डरना नहीं है कि क्या मैथड है यूनिटरी मीन्स फ्रॉम वन यूनिट का मतलब वन एक का दाम दिया है तो ज्यादा का दाम कितना होगा सो एक का प्राइस है वन फिफ्टी दैट मीन्स वन के जी वन फिफ्टी सो टेन के जी प्राइस निकालना है अमाउंट शी अर्न विल बी वन फिफ्टी इंटू टेन इज रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रेन द सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसीलिए उसको ध्यान से देखकर ध्यान से समझना है ओके सी क्वेश्चन नंबर टू ग्रेसी सोल्ड सिक्स के जी फिश ग्रेसी ने सिक्स के जी फिश बेचा मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी दैट मीन्स ग्रेसी एंड मिनी आर फ्रेंड्स बोथ आर सेलिंग फिश इन द मार्केट मिनी ने जितना अर्न किया मिनी हैज अर्न एज मच मनी मिनी ने जितना अर्न किया उतना ग्रेसी ने भी अर्न किया यानी दोनों का इनकम उस दिन का एक ही है हाउ मेनी के जी ऑफ साडेंस डिड मिनी सेल मिनी सार्डिन्स बेचती है क्वेश्चन ये पूछा है कि मिनी कितना के जी बेचती है so see children how the steps are written first first statement is coming from the first part of the question gracie sold 6 kg swordfish so gracie knitted swordfish becha 6 kg quantity of swordfish gracie sold is 6 kg now price per kg of swordfish एक के जी स्वर्ट फिश का कितना दाम है ये मैंने टेबल जो लास्ट पेज में टेबल था वहाँ से निकाला है वहाँ देखना स्वॉट फिश का वन के जी का दाम रुपीज सिक्सटी है सो हाउ मच मनी डज ग्रेसी अर्न दैट इज अगेन यूनिटरी मेथड एक के जी का दाम सिक्सटी uh, रुपीज है तो सिक्स के जी का कितना कॉस्ट होगा अमाउंट ग्रेसी अर्न इज सिक्सटी इंटू सिक्स दैट इज रुपीज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाउ कम्स द एक्चुअल पार्ट यहां तक ईजी है ये इसके बाद जो पार्ट है वो थोड़ा ध्यान से समझ लेना अमाउंट मिनी अर्न ये मैंने पहले बोला मिनी और ग्रेसी फ्रेंड्स है ग्रेसी ने जितना अर्न किया मिनी ने भी उतना ही अर्न किया ग्रेसी हैज अर्न थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज सो मिनी हैज ऑल्सो अर्न थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज ये दोनों सेम होना चाहिए सो so, आज मिनी ने भी थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज ही कमाया है नाउ मिनी क्या बेचती है मिनी सार्डेंस बेचती है मिनी सेल्सार्डेंस सो प्राइस पर के जी ऑफ सार्डेंस ये मैंने टेबल से निकाला पीछे वाले पेज में जो है दैट इज रुपीज फोर्टी सो टोटल अर्निंग थ्री सिक्सटी और एक के जी का दाम फोर्टी द क्वेश्चन इज हाउ मच How much sardines does मिनी sell? See children, quantity of fish मिनी See, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ पता है इसीलिए मैं आप लोगों को whitener use करने के लिए मना करती हूँ ये मैंने whitener से मिटाया लेकिन फिर मैं इसमें लिखना भूल गई ये बच्चों के साथ भी होता है आप लोग भी whitener जब लगाते हो ना वाइटनर लगाने के साथ साथ फिर हम इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा भीगा हो जाता है सो so, एग्ज़ाम में हमने बहुत देखा है कि बच्चे ऐसे वाइटनर लगा देते हैं उसके बाद बाद में यहाँ लिखना भूल जाते हैं सो दैट वे यू लूज मार्क्स दैट इज़ वाई आई टेल यू नॉट टू यूज वाइटनर सो यू डोंट यूज़ वाइटनर आई हैव used व्हाइटनर बिकॉज इफ़ आई overwrite, you यू विल नॉट अंडरस्टैंड ओके सो यू You यू जस्ट कट वन टाइम यू कट एंड यू राइट ऑन द टॉप क्वांटिटी ऑफ फिश मिनी सोल्ड मिनी ने कितने के जी सार्ड बेचे इफ यू डिवाइड दिस टू दैट इज थ्री सिक्सटी एंड फोर्टी यू विल गेट द आंसर थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर्टी इज इक्वल टू नाइन के जी सो आई विल रिपीट द स्टेप्स चिल्ड्रेन दिस वॉज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ इट कम्स इन द एग्जाम यू मेक इट क्लियर हाउ टू डू सो सबसे पहले द क्वान्टिटी ऑफ फिश ये क्वेश्चन से मिल गया ग्रेसी ने कितना बेचा था सिक्स के जी नेक्स्ट इज रुपीज सिक्सटी द प्राइस पर के जी ऑफ स्वॉट फिश दिस कम्स फ्रॉम द टेबल ये दोनों क्वांटिटीज को इंटू करना है यू गेट थ्री सिक्सटी जितना ग्रेसी ने अर्न किया नेक्स्ट स्टेटमेंट में उतना ही मिनी के लिए लिखना है देन मिनी क्या फिश बेचती है ये टेबल से देख लेना दैट इज सार्डेंस सार्डेंस का प्राइस कितना है फोर्टी देन इफ यू डिवाइड दीज टू दैट इज थ्री सिक्सटी एंड फोर्टी यू विल गेट द आंसर थ्री सिक्सटी डिवाइडेड फोर्टी इज नाइन के जी मिनी उस दिन कितना के जी साडेंस बेचती है मिनी उस दिन नाइन के जी साडेंस बेचती है ओके नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन दिस इज अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज अनदर फिशर वुमेन इनका नाम जो है टेबल में नहीं है बिकॉज दिस क्वेश्चन इट्सल्फ इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप इसीलिए उस इनका नाम उस टेबल में इंक्लूड नहीं हो पाया सो सी फासिला कैच ऑफ किंग फिश किंग फिश इज अ वेरी बिग फिश वेइंग एट के जी वो पूरा फिश एट के जी का था शी सेल्स द होल फिश फॉर रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड तो फासिला ने डिसाइड किया कि वो फिश को काट काट कर नहीं बेचेगी शी विल सेल द होल फिश एंड वॉट अमाउंट विल शी गेट फ्रॉम द फिश शी विल गेट रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड So at what price per kg did she sell the kingfish? See, did you see? I have done the same mistake again. So this should have been weight. Solution: weight of the fish. Us pure fish ka kitna weight Eight kg. Okay. Price of the whole fish.

12 minus 8 is 4. The 0 comes down, it becomes 40. 8 fives are 40. The remainder is 0, but 1 0 is left. So that 0 we will take it up, so it becomes 150. Okay. So today, children, all the three questions are different. So understand the question nicely today. Today, your work is to understand. Okay. And I am going to give you three questions which are very similar to this one. If you can do it today, you do it today. Otherwise, if you feel that you are not able to finish the work today, you can finish it tomorrow also. Okay? Aji ke din ye pura complete karna hai, iska tension matlo, dusra subject kabi mata hai. So, you just understand this. And the other three questions which will be exactly same. I am sending the photograph, but if you want, you can do it tomorrow also. So, bye bye and mute you tomorrow.